हेलो दोस्तों, मैं हूँ यूट्यूबर नेमत रोशन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नया ट्रिक लेके आया है फेस एडिटिंग के। हम फेस से दाग वगैरह कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो भी तस्वीर आपके सामने है कुछ इस तरह एडिटिंग करनी है आज। तो आप कोशिश करिए कि वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आप लोगों को एक एक तरीक़ाकार सही तरीके से समझ आ सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब करें इस तरह मज़ीद खूबसूरत वीडियो के लिए। तो एक फ़ोटो सेलेक्ट कर देना है, ये हो गई फ़ोटो। शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, इस फेस के दाग वगैरह इसको रिमूव कर देना है। तो शेयर पर ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों को एक ब्यूटी कैम और पिक्सआर्ट प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। तो इसके बाद आप लोगों को ब्यूटी कैम के ऊपर क्लिक करना है, जो ब्यूटी कैम लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह कोई ऑप्शन खोलेगा आपको, तो इसको ऑटो पे क्लिक कर देना है। ऑटो पर क्लिक करें तो ख़ुद ब खुद आपके चेहरे से दाग रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, एक ही फ्लो से आपके चेहरे से दाग वगैरह रिमूव हो जाएगा। और फिर सेव के ऊपर क्लिक करना होगा, ऊपर जो सेव लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर कंपेरिजन करना है तो देखिए डिफरेंस, एक ही फ्लो में कितना डिफरेंस आया, तो आप देख सकते हैं। सेव के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी ये तस्वीर। तो अब जाते हैं गैलरी पर, तो इसको स्किप करते हैं और दूसरी। तो देखिए इसके चेहरे से दाग थोड़ा रिमूव हो गए हैं। तो इसके बाद इसके ऊपर शेयर के ऊपर फिर क्लिक कर देना है, फिर पिक्सआर्ट पर जाना है। पिक्सआर्ट कुछ इस तरह लोगो है, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। ये हो गई पिक्सआर्ट ओपन। तो इसको और एडिट करना है तो टूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। टूल में एडजस्ट, एडजस्ट में मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसमें आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह हम ट्राई करते हैं, इस तस्वीर को थोड़ा एराइज करते हैं। आप देख सकते हैं ये मोबाइल से निशान पर क्लिक करें और जो कलर ज़्यादा हो गई चेहरे पर उसको रिकलर कर दें, यानी रिमूव कर दें। तो इस तरह जूम कर ले और आराम आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये होगी कुछ इस तरह। आहिस्ता आहिस्ता करनी है ताकि तस्वीर खूबसूरत आ जाए। फिर इस तरह कपड़ों वगैरह से भी इस तरह हाथ से साफ कर देना है। कुछ इस तरह। तो सेव पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं, इसमें अगर कंपैरिजन करना है तो स्क्रीन पर उंगलियां रख कर तो आपको कंपैरिजन का पता चलेगा कि कितना ही डिफरेंस आ गई। तो फिर और एडिट करना है कुछ इस तरह, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत बन गया है। ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप एक एक पर ट्राई कर सकते हैं। अगर कपड़े को ब्लैक कर देना है तो कुछ इस तरह कर देना है। जहाँ भी आपको खूबसूरत लगे वहाँ पे रुकवा सकते हैं, लेकिन वरना वापस भी कर सकते हैं। बिल्कुल फेस टू फेस देख सकते हैं, इसको सेव कर देना है। ये हो गई कुछ इस तरह। अब बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो सिंपली एपेक्स पे क्लिक कर देना है, एपेक्स में कलर पर क्लिक कर देना है और ऐसा जो प्लस के निशान है जहाँ कलर चेंज करने वहाँ पे लगवा दे। तो फिर कुछ इस तरह आपको कलर आ जाएगा, जो भी कलर बैकग्राउंड पे लगवा देना है तो आप लगवा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीक़ाकार है। अगर ग्रीन पर लगवा देना, मैंने तो ग्रीन पर लगवा दिया। तो ये हो गई कुछ इस तरह। कंपेरिजन देख के
बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इसके बाद स्टिकर, अगर लाउ टिक्स लगवा देना है तो स्टिकर के ऊपर क्लिक कर देना है, सर्च में डालना है लाउ टिक्स, जो भी डालना है इस पे डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी लाउ टिक्स डाल देता हूँ। लाउ टिक्स, कुछ आप लोगों के पास इस तरह बहुत ज़्यादा टिक्स आ जाएगा, जो भी टिक्स से आप लगवा सकते हैं। इसमें कई के लिए पे करना होगा, ज़्यादा प्री मिलेगा, तो हम अभी प्री ट्राई करते हैं, तो हमें स्क्वेयर ट्राई कर देना है, तो जहाँ भी लगवाना है लगवा सकते हैं। अब इसको अगर हाथ पे लगवा देना है तो कुछ इस तरह, इस तरह कर देना है। इसको लाइन को थोड़ा कम कर देना कि रियल लगे, तो ये हो गई इस तरह। एक और ट्राई कर देना है, फिर स्टिकर के ऊपर क्लिक कर देना है, और ऑलरेडी लव टिक्स पड़ा है तो इसके बाद इसको ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो गई इस तरह। इसके बाद आप लोगों को सेव पर क्लिक कर देना है, फिर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव के बाद अपने गैलरी पर जाए और चेक करें, तो देखते हैं, पिक्सआर्ट फोल्डर को ओपन कर देना है, ये हो गई सेव आपके साथ, और बगैर एडिटिंग वाला आप दिखा देना है कि डिफरेंस, ये हो गए बगैर एडिटिंग। तो इस तरह खूबसूरत वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।